14 अक्टूबर 2023 को गीता बाल भारती विद्यालय राजगढ़ कॉलोनी के प्रांगण में विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के तत्वाधान में 3 दिवसीय गणित विज्ञान मेले का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी गीतिका शर्मा, जनरल मैनेजर पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्रालय दिल्ली सरकार, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नील सरोवर भावेश, ग्रुप लीडर सीनियर साइंटिस्ट, वरिष्ठ वैज्ञानिक इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली। मुख्य वक्ता देशराज महामंत्री विद्या भारती उत्तर क्षेत्र रवि कुमार, संगठन मंत्री विद्या भारती दिल्ली एवं राम गोपाल महामंत्री हिंदू शिक्षा समिति रहे। वही इस दौरान प्रधानाचार्य शालिनी मिड्डा ने माँ शारदा के समक्ष पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें, यह समारोह दिनांक 14 अक्टूबर से दिनांक 16 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बच्चों को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज्ञान एवं विज्ञान को साथ लेकर मातृभूमि के लिए सदैव समर्पित होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा दी गई। इसके साथ ही बच्चों को गांधी जी के जीवन की कुछ विभिन्न प्रेरणादायक घटनाओं से रूबरू कराया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 50 निर्णायक, लगभग 700 विद्यार्थी तथा उनके संरक्षक उपस्थित रहे। विद्यालय प्रमुख शालिनी मिड्डा साथ ही अखिल जैन विज्ञान प्रांत प्रमुख के नेतृत्व में गणित विज्ञान मेले का उद्घाटन सत्र सफलतापूर्वक हुआ। विद्या भारती विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके पाठ्यक्रम के आधार पर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर चलती है कि जो विद्यार्थी विद्यालय में विज्ञान पढ़ता है उसका व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग कैसे करे, और इस दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रयोगों के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करता है। दूसरा, विद्यार्थी में इनोवेशन और सर्च माइंड बने, लॉजिकल थिंकिंग उसकी बढ़े, इसके लिए विज्ञान मेलों के लिए वो कुछ प्रोजेक्ट के आधार पर ऐसा आयोजन करता है। विद्यालय स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक ये विज्ञान मेले का आयोजन विद्या भारती करती है। गीता बाल भारती विद्यालय दिल्ली के अंदर विद्या भारती उत्तर क्षेत्र में लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ऐसे यूनियन टेरिटरीज़ को मिलाकर ये 7 प्रांत चंडीगढ़ को मिलाकर बनते हैं। इनके विद्यार्थी यहाँ भाग लेने आए हैं, जिसमें ये गणित, कंप्यूटर और विज्ञान के मॉडल और क्यूज कंपटीशन प्रेजेंट करेंगे और आपसी नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करेंगे। सर, ये जो विषय यहाँ पर रखा गया है, जो इस स्कूल की जो पहल है, क्या और अदर स्कूल्स में भी इस तरीके से होना चाहिए? विज्ञान इतना महत्वपूर्ण विषय है कि प्रत्येक पढ़ने वाले विद्यार्थी को आधार बनाकर इस देश के प्रत्येक नागरिक की सोच वैज्ञानिक रहनी चाहिए। यदि उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, सोच वैज्ञानिक है, तो वो सारे कामों को बड़े सही ढंग से कर सकता है। इसलिए विज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण विषय मानना चाहिए। मुझे लगता है भारत सरकार ने और CBSE ने भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में प्रस्तुत किया है, और कंप्यूटर को इसके साथ में जोड़कर, टेक्नोलॉजी को और ICT को जोड़कर इस विषय पर प्रोत्साहन दे रहा है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय स्तर से नहीं, क्लास रूम से इस विषय को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा विद्या भारती एक अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है, देश के हर प्रांत में काम है। हम लेह लद्दाख से ऊपर भी, कारगिल में भी हैं और नीचे अंडमान निकोबार में भी हैं, और हमारे औपचारिक और अनौपचारिक विद्यालय 25,000 हैं देश में। हम विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी, गैर सहायता प्राप्त संगठन है। विश्व में ऐसा कोई संगठन नहीं है। और हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चे का विकास सब तरह से होना चाहिए, और हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व है, हर चीज़ विज्ञान के सहारे से चलती है। तो हमारे बच्चों को, और हम विज्ञान में जितना आज विज्ञान का विकास दिखाई देता है हमारे वांग्मय में, वो हमारे दर्शन में वो पहले से था, और उसको और उजागर करने की आवश्यकता है। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं, उसके
अंतर्निहित शक्ति हैं उन शक्तियों को उजागर करना शिक्षा होती है, इसलिए ये विज्ञान सब में है। उसको अगर विकास करना है तो बच्चे को ऐसा अवसर देना पड़ेगा। विद्या भारती 1990 से उन्होंने पहला विज्ञान मेला 1990 में पंजाब के नाभा नाम के स्थान पर प्रारंभ हुआ और आज वो अखिल भारतीय स्तर तक होता है। हमारे ये जो नन्हे वैज्ञानिक हैं इनकी प्रतियोगिता पहले विद्यालय में होती है, फिर हमारा एक संकुल है उसमें होती है, विभाग में होती है, प्रांत में होती है, फिर प्रांत से क्षेत्र, क्योंकि विद्या भारती ने अपने पूरे काम को 11 क्षेत्रों में बांटा है। तो ये विद्या भारती का उत्तर क्षेत्र है जो ऊपर लेह लद्दाख से प्रारंभ होकर और दिल्ली तक के जो 5 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें बटा हुआ है। तो उस क्षेत्र के हमारे जो 500 से अधिक औपचारिक और 600 से अधिक अनौपचारिक विद्यालय, यानी कुल 1100 विद्यालय इस क्षेत्र में चलाते हैं। उन विद्यालयों में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो इसमें प्रतिभागिता करते हैं। ये जो यहाँ मेला हो रहा है, ये मेले में जो प्रथम आएंगे वो फिर अखिल भारती में खेलने के लिए जाएंगे, उसमें 11 क्षेत्रों से ही बच्चे आएंगे। मैं गीतिका शर्मा, महाप्रबंधक दिल्ली टूरिज्म, और आज मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में इस विद्या भारती उत्तर क्षेत्र गणित विज्ञान मेले में आज यहाँ बुलाया गया है। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज मैं यहाँ बच्चों के साथ और उनके टीचर्स और इतने विद्वान लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हूँ, और ख़ास तौर से गणित विज्ञान मेला, क्योंकि गणित और विज्ञान यही आधार है पूरे ब्रह्मांड का, और इसका बहुत अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी है, और इन विषयों से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इनसे प्रेम करना चाहिए, हमें ये जो इनके कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझना चाहिए। यही उद्देश्य है इस मेले का, और यहाँ पर आकर मैं वो एक इंटेलेक्चुअल वाइब्स महसूस कर रही हूँ। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, फोकस, ये कभी नहीं खोना है, और फेलियर से हार नहीं माननी है, डटे रहना है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी लगता है वो हमें संपूर्ण प्रयास करने हैं, और मदद मांगने से हमें पीछे नहीं रहना है। अपने टीचर्स, अपने बड़ों से हमें जो भी मदद चाहिए वो हम खुल कर मांगे, इसमें कोई शर्म नहीं है। एक ऐसा कार्य है जो आगे के लिए हमारा भविष्य निर्धारित कर सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसी सभ्यता है, विश्व की अनोखी सभ्यता है, जहाँ धर्म, दर्शन और विज्ञान में कभी विरोध नहीं रहा, या विश्व के अन्य देशों में हमेशा विरोध रहा धर्म और विज्ञान में, हमारे यहाँ नहीं रहा। इसलिए अगर जब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अगर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था हमारी हो आगे, उस चीज़ में विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और इस दिशा में अगर हम बच्चों को अभी से विज्ञान की ओर आकर्षित कर सके तो वे आगे कर चल के विज्ञान के आविष्कारों द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी में, वैक्सीन में भारत ने जो राशि अर्जित की है सिर्फ वैक्सीन को बना के या दवाइयों को बना के, वो काफ़ी अधिक है, और हम ऐसी आशा की जा रही है कि 2025 तक $150 बिलियन की इकॉनमी होगी हमारी सिर्फ बायोटेक की। तो इस दिशा में अगर और स्पेस टेक्नोलॉजी, आज हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन, उन चीज़ों में भी हमारा काफ़ी बड़ा योगदान होगा भविष्य में। स्कूल की व्यवस्था के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आज स्कूल की व्यवस्था के बारे, स्कूल ने काफ़ी अच्छा कार्यक्रम भी किया, और उत्तर भारत के सभी जगह से लोग आए हैं, शिक्षक आए हैं, विद्यार्थी आए हैं, उनको एक ढंग से बैठे और काफ़ी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, इस ढंग का काफ़ी अच्छा कार्यक्रम मुझे लगता है। आगे आज जैसा मुझे आज के शाम का कार्यक्रम का पता है कि काफ़ी एक विशिष्ट व्यक्ति आ रहे हैं जो टॉक देंगे शाम को 7 बजे, कैंसर पर वो देंगे टॉक। इस तरह के अगर टॉक हो रहे हैं तो बच्चों में काफ़ी जागरूकता भी आएगी। सर, आप खुद साइंटिस्ट हैं, आज आप बच्चों के बीच आए हैं, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहें ताकि वो और बुलंदियों तक पहुंच सकें, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें? सब विज्ञान में
विज्ञान में सबसे ज़रूरी चीज़ है असफलता को सफलता का साधन बनाना। यही मैं बच्चों को संदेश दूंगा कि वो अपने असफलताओं को एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करें ताकि आगे सफल हों। जिस तरह से चंद्रयान में हुआ, चंद्रयान पहली बार असफल हुआ लेकिन हम दूसरी बार बिल्कुल प्रिसीजन रूप से सफल हुए। यही मैं संदेश दूंगा कि सफलता ज़रूर मिलेगी आप विज्ञान में उस ढंग से लगे रहेंगे तो। हमारे विद्यालय में गणित विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है और ये विद्या भारती उत्तर क्षेत्र यानी नॉर्थ इंडिया रीजन का ये गणित विज्ञान मेला आयोजित किया जा रहा है। ये अलग अलग लेवल्स पर होता है गणित विज्ञान मेला। पहले ये स्कूल लेवल पर होता है, फिर ये हमारे इंटरनली विभाग स्तर पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, और उसके बाद स्टेट लेवल पर, और स्टेट के बाद ये हमारा होता है नॉर्थ इंडिया लेवल पर। तो आज ये हम फोर्थ लेवल पर हैं, तो वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि ये इस बार हमें मौका हमारे स्कूल को मिला कि हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहा है ये प्रोग्राम। और ये बेसिकली इसका पर्पस है बच्चों में मैथमेटिकल और साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, वो एप्टीट्यूड भी उन बच्चों में आए, और इसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जो बच्चे अलग अलग लेवल्स पर फर्स्ट आए हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर बताया जैसे कि मैंने 5 स्टेट्स से बच्चे आए हुए हैं, लगभग 422 चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम, एंड वी हैव क्विज कॉम्पिटिशन, पेपर रीडिंग हेयर, एंड मॉडल्स, बहुत अच्छे लेवल के मॉडल्स होते हैं और इनोवेटिव मॉडल्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं उसमें, इनोवेटिव इज़ वन ऑफ देम। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ इसमें रहती हैं। मैम, इसमें तैयारी में कितना समय आप लोगों ने लगाया है 3 दिवसीय मेले को? इस 3 दिवसीय मेले के आयोजन में हम पिछले लगभग 1 महीने से लगे हुए हैं, बट और अच्छा रहता है, इसमें स्कूल का भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब इस प्रकार की तैयारी करते हैं तो बच्चों का भी विकास होता है। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं इंटरनली टू ऑर्गेनाइज अ फंक्शन, उनमें भी एक डेवलपमेंट होता है। जो मॉडल्स हैं आगे भी कहीं दिखाए जाते हैं? डेफिनेटली, इसके बाद हाँ बिल्कुल ऑब्वियस है कि इनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा होता है कि जो CBSE भी अपने लगाती है तो बच्चे वहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इसके बाद हमारा ऑल इंडिया लेवल का भी होता है, यहाँ से जो बच्चे फर्स्ट आएंगे वो ऑल इंडिया लेवल पर जाएंगे, और ऑब्वियस है कि जो ऑल इंडिया लेवल पर फर्स्ट आते हैं और उसका एक स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ मॉडल होता है, तो ऐसे बच्चे गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते ही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और देखते रहें जनहित टाइम्स।